विद्यार्थी मित्रों, धोरण आठ विषय संस्कृत। तो विद्यार्थी मित्रों, आज अपने पाठ नंबर छ एट के विनोद पद्यानी एट मनोरंजक श्लोकों अभ्यास करीशू। तेम सौ प्रथम है सदा वक्री सदा क्रूर कन्या राशि स्थित सदा सदा पूजा पेक्षते जा माता दसमो ग्रह। वक्री एटले के वांको, क्रूर एटले के निर्दय अथवा कठोर, कन्या राशि स्थित एटले के कन्या राशि में रहेलो, पूजाम अपेक्षते एटले के आदर सत्कार की जे अपेक्षा राखे छे ते, जा माता एटले के जमाई, दशम ग्रह एटले के दसमो ग्रह एटले के सूर्य। तो हवे तेनु जोईशुं आपणे। सदा वक्री एटले के हमेशा वांको, सदा क्रूर एटले के हमेशा क्रूर, हमेशा कन्या राशि में रहेलो अने हमेशा पूजाम क्षेपते एटले के हमेशा आदर सत्कार की जे अपेक्षा राखे छे, जा माता दसमो ग्रह। आवो जमाय केवो छे? दसमो ग्रह छे। हवे नंबर बे जोईशुं, टका धर्म टका कर्म। टका धर्म एटले के टका एटले पैसा, अने टका धर्म टका कर्म, टका ही परम तप, ही एटले के खरेखर, परम तप एटले के श्रेष्ठ तप, यश एटले के जेना यश हस्ते टका नास्ती हाटके टक टकायते, एटले के यश एटले के जेना हस्ते एटले हाथ में, हाटके एटले के बजार में, टक टकायते एटले के भटके छे अथवा टक टक करे छे, एटले के पैसा धर्म छे। टका धर्म एटले के पैसा धर्म छे, टका कर्म एटले के पैसा कर्म छे, टका ही परम तपः पैसा ज श्रेष्ठ तप छे, यस्य हस्ते टका नास्ति एटले के जेना हाथमां पैसा नथी, नास्ति हाटके टक टकायते एटले के ते बजारमां शुं करे छे? वटक्या करे छे। नंबर त्रण, घटम बिंधात पटम छिंदात कुरियाद्रास बरोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवित। एटले के घटम एटले के गढ़ो, बिंधात एटले के फोड़ी नाखो अथवा तोड़ी नाखो, पटम एटले वस्त्र, छिंदात एटले के फाड़ी नाखू, रास भरोहणम एटले कि गधेड़ा ऊपर सवारी, कुरियात एटले कि करवी, एन केन प्रकारेण एटले कि गम्मे ते रीते, पुरुष एटले माणस, प्रसिद्ध भवेत एटले कि प्रसिद्ध थवू अथवा प्रख्यात थवू। हवे जोईशुं गटम बिंधात एटले कि गड़ो फोड़ी नाखो, पटम छिंधांत एटले कि वस्त्र फाड़ी नाखू, कुरियादास बरोहणम गधेड़ा ऊपर सवारी करवी, येन केन प्रकारेण एटले कि गम्मे ते रीते प्रसिद्ध पुरुषो भवेत एटले कि कोई पण प्रकारे पुरुषे प्रसिद्ध थवू जोईए। नंबर चार, उष्टाणाम ही विवाहेषु गीतम गायंती गदर्भा परस्परम प्रशंसन्ति अहोरूपम अहोध्वनि। उष्टाणाम एटले के ऊँटोना, विवाहेषु एटले के लग्न प्रसंगों में, अने गदर्भ एटले गदर्भा एटले गधेड़ाओ, गायंती एटले के गाय छे, प्रशंसती एटले के प्रशंसा करे छे, रूपम एटले के वाह केवू रूप छे, अहोध्वनि एवं बोले छे एटले कहे छे कि वाह केवो अवाज। तो हवे जोईशुं उष्टाणाम ही विवाहेषु गीतम गायंती गदर्भा, शुं कहे छे? खरेखर ऊँटोना विवाह प्रसंगोमां गधेड़ाओ शुं करे छे? गीत गाय छे। परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहोध्वनि, એટલે કે એકબીજાના વખાણ કરે છે કે વાહ કેવું સુંદર તમારું રૂપ છે, વાહ
केवो तमारो मधुर अवाज छे। नंबर पांच, कन्या वरयते रूपम माता वितम पिता श्रुतम बांधवा कुलम मिच्छन्ति मिष्टान मित्तरे जनाः। कन्या एटले कि कन्या, रूपम एटले कि रूपने अथवा सुंदरताने, वितम एटले धनने अथवा पैसाने, श्रुतम एटले कि ज्ञानने, वरयते एटले पसंद करे छे, बांधवा एटले सगा संबंधी, कुलम एटले कुळ, इतरे जना एटले कि बीजा लोको, मिष्टानम एटले मिठाई અને ઈચ્છંતી એટલે કે ઈચ્છે છે। એટલે કે કન્યા વરયતે રૂપમ એટલે કે કન્યા રૂપને, માતા વિતમ પિતા શ્રુતમ એટલે કે માતા ધનને અને પિતા કોને પસંદ કરે છે, વણતરને પસંદ કરે છે, બાંધવા કુલ મિચ્છંતી મિષ્ટાન મિત્રે જના, જ્યારે સગા સંબંધીઓ શું કહે છે, સગા વાલા જે હોય છે જે ઊંચું કુળ પસંદ કરે છે, અને મિષ્ટા મિત્રે જના એટલે કે બીજા લોકો શું કરે છે, મીઠાઈ ઈચ્છે છે। નંબર છ, વૈદરાજા નમસ્તુભ્યમ યમરાજ સહોદર યમસ્તુ હરતિ પ્રાણાન વૈદ્ય પ્રાણાન ધનાની ચ। એટલે કે યમરાજ સહોદર એટલે કે હે યમરાજાના સગા ભાઈ, સહોદર એટલે કે સગો ભાઈ, વૈદરાજ એટલે મહાન વૈદ્ય, તુભ્યમ નમ એટલે કે તમને નમસ્કાર, અને પ્રાણાના એટલે પ્રાણો, અને ધનાને એટલે કે ધન સંપત્તિ, એટલે કે હે યમરાજના સગા ભાઈ મહાન વૈદ્ય તમને શું છે, નમસ્કાર હજો। યમસ્તુ હરતિ પ્રાણાન શું કે છે, યમ તો માત્ર પ્રાણો હરી લે છે, વૈદ્ય પ્રાણાન ધનાની ચ, જ્યારે વૈદ્ય શું કરે છે, પ્રાણો અને ધન સંપત્તિ બંને હરી લે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે વિનોદ પદ્યાની પૂરું કરીએ છીએ। થેન્ક યુ।